सेलिब्रिटीज का बहुत ऐसे फेवरेट स्पॉट है। गाइस हमारे घर में खाने में फंगस लग जाती है, ब्लैक फंगस, हम फेंक देते हैं फंगस, हमको बेचना है 810 रुपए। ऐसा लग रहा है कि दम आलू के सिर्फ आलू आलू है, इसका दम अभी रह गया है। हमें इस समय मुंबई में, और मुंबई आते ही हमें सबसे पहले जो चीजें ध्यान आती है वो है बॉलीवुड मूवी टीवी सीरियल। तो आज हम बॉलीवुड के अराउंड ही वीडियो करने वाले हैं। एक वीडियो की थी ट्राइंग सेलिब्रिटीज फेवरेट स्ट्रीट फूड, उसमें आपसे बहुत सारे लोगों ने बोला था कि आई शुड डू ट्राइंग सेलिब्रिटीज फेवरेट रेस्टोरेंट फॉर लेजिट 24 आवर्स। तो आज हम वही करने वाले हैं। पता है जब मैं पहली बार मुंबई आई थी ना, तो मुझे लगता है माय गॉड मुंबई तो बहुत ही बूझी सा ये सब होगा, बट पता है बहुत सुंदर है, पर ये काफी अपने नॉर्मल इंडिया जैसा भी है। और यहाँ पे बहुत सारी चीजें जुगाड़ के हिसाब से चलती हैं। पता नहीं क्यों जो लोग कभी मुंबई नहीं आए, जैसे मैं भी बहुत, जब मैं बड़ी हो गई हूँ, जब मैंने ये YouTube वगैरह का काम चालू किया तब मैं पहली बार मुंबई आई थी, तब तक मेरे दिमाग में एक मुंबई की एक इमेज थी कि वो तो एकदम ऐसे बहुत ही वैसा होगा, बट नहीं, मुंबई बिल्कुल अपना जैसा फील करवाता है आपको। अगर आप लोग मुझे जानते हो तो मैं हूँ ऐसे थोड़ा बॉलीवुड ड्रामा और साथ ही साथ फूडी, तो हम इन्हीं दोनों का ऐसे मिश्रण करके ये वाली वीडियो बना रहे हैं। आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड, मुझे ऐसे नए रेस्टोरेंट्स नए कैफे ट्राई करना बहुत पसंद है। मैंने ऐसे वायरल बनाने की बहुत सारी वीडियोस फोटोज देखी है कि ये सेलिब्रिटीज रेस्टोरेंट से निकल रहा है, उस रेस्टोरेंट से निकल रहा है। आज हम उस सारे रेस्टोरेंट जाने वाले हैं और हम शुरुआत करने वाले हैं हमारी ब्रेकफास्ट वाली जगह पे। बट हमारा इस वीडियो में साथ देने आने वाली है आपकी और मेरी चहेती माता जी। हेलो मम्मी, आप गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आप तो आज फुल हीरोइन लग रहे हो। मुझे भी बहुत मजा आता है नए नए रेस्टोरेंट में जाना। मैं भी ऐसी नहीं हूँ कि कोई पुराना खाना खाती रहूँ, मतलब पुराना नहीं, मतलब वो ऐसा नहीं, ये भी नई नई चीजें खाती है। सुशी वगैरह मैंने कभी देखी नहीं थी, ये सब भी मैं खाने, पर मेरी मम्मी को सुशी वगैरह बहुत अच्छी लगती है। मुझे नए नए रेस्टोरेंट में जाना, मुझे मेरी मम्मी का ऐसा है कि नॉर्मल, उनका ऐसा नहीं कि इंडियन मसाले होने चाहिए। शी लव्स टू ट्राई न्यू थिंग्स, और मुझे बहुत अच्छा लगता है मेरी मम्मी के बारे में, क्योंकि इस वजह से मैं उनको सारे फैंसी जगह पे लेके जाती हूँ। मजा आता है। हम जा रहे हैं क्यूट सी ब्रेकफास्ट डेट पे, हम जा रहे हैं फार्मर्स कैफे। मैं और मम्मी हम एक बार पहले भी फार्मर्स कैफे गए हुए हैं, बट वो सेलिब्रिटीज का बहुत ऐसे फेवरेट स्पॉट है, और जब मैं लास्ट टाइम गई थी तो वो बहुत जल्दी जल्दी में गई थी। तो चलते हैं, लेट्स गो। ऐसे बिल्कुल ऐसे वो अमीरों वाली जगह है, ऑर्गेनिक वीगन ग्लूटेन फ्री, इनके पास कीटो वीटो का भी खाना है। एक एवोकाडो टोस्ट खाया है ना, यस एवोकाडो टोस्ट खाओ, एवोकाडो टोस्ट हम दोनों को पसंद है। यस एवोकाडो टोस्ट एकदम, और एक पोटैटो वेजेस मंगवा लें। गाइस आज ना हम हर जगह थोड़ा थोड़ा खाना मंगाएंगे, क्योंकि हमें बहुत सारी जगह जाने, हमारे इतना सा छोटा छोटा सा एपेटाइट है। सो मुझे ना इनकी एक दो चीज़ें बहुत अच्छी लगी यहाँ पे। एक्चुअली सब कुछ बहुत हेल्दी है, लेकिन लोग शुगर बिल्कुल यूज़ नहीं करते। जैक मैंने बोला शुगर सिरप दे देना, तो कहते नहीं मैडम जागरी सिरप है। सो गुड हेल्दी थिंग। फ्रेश ऑरेंज जूस, आंटी को बहुत जरूरत है जूस वूस पीने की। अच्छा यस, देन वी हैव योर पोटैटो वेजेस। मुझे मम्मी को, हम लोगों को आलू बहुत पसंद है, एवोकाडो टोस्ट हमें ये भी बहुत पसंद है, और मेरी कॉफ़ी विद जैगरी सिरप। यस, ये तो काफ़ी अच्छा सा हमें प्यारा सा खाना आ गया है, चलो इसको चखते हैं। आ जाओ, हम सबसे पहले चखेंगे पोटैटो वेजेस। नहीं इन्होंने तले नहीं, इन्होंने बेक किया है। पोटैटो वेजेस वाला क्रीम भी है बट हेल्दी है ये, जिन्होंने साइड में घास फूस दिया ना, अभी अच्छी लग रही है मुझे। हेरा एवोकाडो टोस्ट, लेट्स टेस्ट इट। यम। एवोकाडो टोस्ट में बहुत सारी वैरायटीज मिलेंगी। मैंने गोकामोले वाला मंगवाया है, बेस्ट। हल्का सी प्याज और वो सब भी पड़ा हुआ है, तो बहुत डिलीशियस लगता है। द फूड इज सो गुड, आपको बहुत पसंद आएगा। कैसा है? बहुत अच्छा है ना। एवोकाडो टोस्ट और पोटैटो वेजेस तो लाजवाब लगे, आप चखते हैं कॉफी। आई एम इम्प्रेस्ड भाई, बहुत टेस्टी खाना है इनका, तो मज़ा आ गया। मुझे सर्विस भी बहुत अच्छी लगी, लोग भी काफ़ी स्वीट हैं,
एम्बियंस भी काफी अच्छा है, ऐसी क्यूट सी जगह है। अभी मुझे समझ में आ रहा है सारा अली खान की, मैंने इतनी सारी वीडियोस देखी है ना, यहाँ से निकलते हुए ये खाना पैक कराते बैग में लेते जाते हुए भी। हेलो जी, हेलो, हमारा ब्रेकफास्ट हो चुका है। हमारा ब्रेकफास्ट हुआ 1321 रुपये का, 1321। हम लोग काफ़ी देर बैठे, हमने बहुत देर गप्पे मारे, हमें लगभग 1.5-2 घंटे हो गए हैं, हमने बहुत मस्त गप्पे मारे, चिल मार के बना नाश्ता, ये समझे चिल मार के नाश्ता किया तो मज़ा आ गया। मम्मी आप खाने को 10 में से कितने नंबर दोगे? 10 में से 10। हाँ मुझे भी काफ़ी, मैं 10 में से 9 दूंगी। जानवी की बहन हूँ, 1 marks फॉर टू बी बेटर। गाइस मैं अभी ये फार्मर्स कैफे से निकल रही हूँ और अभी जस्ट यहाँ पे जैसे मैंने रिक्शा लिया, आई स्पॉटेड शमिता शेट्टी, शी वॉज एंट्री देयर, आई हैव सीन हर इन बिग बॉस एंड इन शरारा शरारा, और अब हो गया है लंच का टाइम। तो हम लंच के लिए जा रहे हैं एक बहुत ही फेमस जगह जो मैंने इतने सारे लोगों से सुनी हुई है। वो कौन सा वो गाना क्या है, वो ब्राउन मंडे, एपी ढिलो, हम एपी ढिलो से मिलने गए थे तब उन्होंने भी बोला था कि ही लव्स इज़ुमी हियर, और मैंने इतने सारे लोगों को इज़ुमी से बाहर निकलते हुए देखा है और सो मेनी गुड थिंग्स अबाउट इज़ुमी। इज़ुमी इज अ जापानीज रेस्टोरेंट, मुझे पर्सनली सुशी काफी पसंद है, तो हम लोग जाते हैं इज़ुमी ट्राई करते हैं। मैंने सोचा था कि हम डिनर के लिए वहां जाएंगे बट वहां पे टेबल मिलती ही नहीं है, अभी भी मिड वीक है इसीलिए टेबल मिल गई, वीकेंड्स की टेबल ऑलरेडी चली गई है। मैं जिधर रहती हूँ ना उधर हमारे यहाँ ऐसे ही सीधा चले जाते हैं जिधर खाना पीना होता है। मुंबई में आपको हर जगह टेबल बुकिंग करनी होती है, आपको नॉर्मली भी कहीं पे भी डिनर करके जाना तो आपको ही कैन आई गेट अ टेबल फॉर 4 at 9 PM फॉर डिनर, या थैंक यू ऐसा आपको करना पड़ता है इधर रह रहे हो आप। तो अभी हम चलते हैं इज़ुमी टू हैव सम यम यम लंच। मैं, मम्मी और यशवी जा रहे हैं, बट आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड, अब मुझे हल्की हल्की सी भूख भी लग रही है, सो लेट्स गो। सेलिब्रिटीज बिना चश्मा लगाए कहीं नहीं जाते ना, जस्ट वेटिंग फॉर वायरल पे आनी इज़ुमी पे। भाई आगे से राइट, यहाँ से भैया राइट, बस भी आएगा वो पापर आज भी, या थैंक यू। थैंक यू, कैसे हैं आप लोग? नमस्ते भैया, आ गए हम, भैया हमारी मदर इज पेइंग फॉर मी राइट नाउ, जस्ट सो क्यूट, भैया भी हंस रहे कि ये लोग क्या ही ड्रामा कर रहे हैं। थैंक यू भैया, थैंक यू। मुझे तो इससे थोड़े बहुत पैसे मिल जाएंगे, मतलब इसीलिए आई हूं, ज्यादा सच बोल दिया गाइस, सॉरी गाइस। यहां पे जेन ऑप्शंस अवेलेबल है, ये खुशी खुशी गाइस, वेरी कूल प्लेस, स्टाफ इज आल्सो वेरी क्यूट और बहुत ही प्यार से ट्रीट कर रहे हैं। रेगुलर वाटर और मिनरल वाटर और स्पार्कलिंग, वही हमें शिंगदाने के भी हमको उबले हुए हैं, इसको हम चॉपस्टिक से शिंगदाने खाएंगे। लेट्स गो थ्रू द मेन्यू कि क्या क्या है मेन्यू में। गाइस उनके पास काफ़ी अच्छे ऑप्शन है वेजिटेरियन फूड के लिए, एंड आई गेट सो एक्साइटेड अगर मैं सुशी में जापानीज में वेजिटेरियन मिल जाता है। मम्मी मेरी इतने ध्यान से मेन्यू पढ़ रही है, ट्राइंग इतने बहुत। बताओ मम्मी आप एक चीज़ आज आप चूज़ करोगे? नहीं, कोई एक चीज़ चूज़ करो। मैंने ऐसे रेस्टोरेंट नॉर्मली फॉरेन कंट्रीज में गई हुई और मैं हमेशा आलू का के आ जाती हूँ। शो यू चिंतन रामन, मेरे क्लास में झड़का पड़ता था चिंतन, बहुत चिंता करता था। गाइस हमारे घर में खाने में फंगस लग जाती है, ब्लैक फंगस, हम फेंक देते हैं फंगस, हमको बेचना है 810 रुपये। हेलो भैया सुन रहे थे हमारे साथ, मेरे से गलत लोग आ गए आज। गाइज इन्होंने हमें स्टार्टर के लिए ये शिंगदाने और ये दिए थे और ये अभी हमने मंगवाया है, दिस इज एडमामे विद चिली गार्लिक। मम्मी इसको पता है कैसे खाते हैं? मैं आपको बताती हूँ, मम्मी मेरी मटर की तरह, आप
दिस इज गुआवा विद समथिंग समथिंग, बस इस पे मिर्ची और नमक डाल दिया है। अच्छी है, मुझे सबसे अच्छी बना नहीं, अभी कहीं भी चीज़ों में फालतू मीठा नहीं आया है, तो मैंने दूसरी जगह खाई है। इसे असली वाला अमरूद का जूस, इसमें चीनी नहीं कुछ नहीं पड़ी है। गाइज यहाँ पे हमने ये रामेन मंगवाई है। आई कैन सी बैंगन, बेबी कॉर्न, बीन्स, मिर्ची, प्याज, स्प्रिंग अनियन। हमें फॉक दी ही नहीं है, हमें इसी से ही खाना होगा। देयर आर नो स्पून्स एंड फोर्क। इट इज टेस्टलेस टाइम। हमने मंगवाई है कैलिफोर्निया रोल सुशी, एडमामी चिली गार्लिक और रामेन। नेवर एंडिंग रामेन, नेवर एंडिंग रामेन। It is not spicy, but I like it. इन्होंने यहाँ पे हमें चीज़ें दी हुई हैं। दिस इज आई जस्ट सुशी के लिए डेक, ये सेसमे सीड्स हैं। एंड व्हाट इज दिस, दिस स्मेल्स, ये गुजू कारू है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ये चम्मच देखो आप कितनी छूट है। एंड इसी ये है चिल्ली, एक साइड हम ये डाल के भी देखते हैं। थोड़ा इनका वाला टेस्ट है, मतलब थोड़ा ऑथेंटिक टेस्ट आएगा। जैसे अपन रामेन बनाते हैं, नॉर्मल खाते हैं, वो नॉर्मल वाली नहीं है, बट ओके आई लाइक इट। मैंने इससे बेटर रामेन खाई हुई है जो मेरे टेस्ट बड्स पे बैठती है, ये शायद उनके टेस्ट बड्स पे बैठे। दिस इज 7 out of 10। लेट्स टाइम टू टेस्ट इट सुशी। इट्स सो गुड, यम्मी, सुशी इज 10 out of 10। रामेन की क्वांटिटी तो काफ़ी अच्छी है, मतलब हम 3 लोग इसमें खा सकते हैं। सुशी में भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 पीस है। 8 pieces ऑफ सुशी एंड रामेन, गुड क्वांटिटी। यस, गुड क्वांटिटी एंड आई एम लाइकिंग इट। ये इस मम्मी रामेन ट्राई कर रहे हैं। मैंने ये चीज़ कभी खाई नहीं इसके लिए। सेम 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 मम्मी, आज 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 मतलब इतनी बुरी भी नहीं है पर इतनी अच्छी अच्छी भी नहीं है। मुझे इनका रामेन का राइड बहुत कूल लगी है, सो ये संजय सुन के एंजॉय दैट। गाइस बुरी बेटी इज हियर, पापड़ आज फीलिंग आ रही है तुझे? अच्छी है ना, द सुशी इज 10 on 10। इतने प्यार से गाइस हमने राइस और ये एक करी मंगवाई थी क्योंकि भूरी बेटी को भी भूख लगी हुई है। इज दिस टोफू? यस। नो पनीर? वाई नॉट पनीर? गुड। 10 में से कितना नंबर देगी? 8-9। अच्छा नाइस। बट गाइस मैं ना ऐसे जापनीज और ऐसे रेस्टोरेंट में फूल में गई हुई हूँ और उसके अलावा मैंने ये ट्राई किया है, आई वुड चूज फू ओवर दिस। फू का खाना मुझे कंपैरेटिवली ज़्यादा बेटर लगता है। हेलो जी, वी आर डन विथ आवर लंच और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और फन था। मज़ा, थैंक यू सो मच, बहुत ज़्यादा मस्त था, मज़ा आया, काफ़ी अलग था। मैंने इतना ऑथेंटिक जापनीज फूड कभी नहीं खाया है जो मैंने आज खाया है। मम्मी बहुत पेट भर गया, 2 सुशी खाई है इनके, इतने से स्टिकी राइस खाए और पेट भर गया। हमें आप कितनी रेटिंग दोगे 10 में से इस रेस्टोरेंट को? 7 जबकि मेरी मम्मी स्ट्रिक्ट टीचर है नहीं। आई विल गिव इट 8। एक बार अगर आपको सुशी, रामेन और एकदम से जापनीज वाइब चाहिए तो आप यहाँ पे आ सकते हो। अभी हम लोग जा रहे हैं घर, थोड़े बहुत काम वाम निपटाएंगे, फिर हम शाम को सनसेट के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही फेमस जगह जाने वाले हैं, जहाँ पे भी मैं कभी नहीं गई हूँ। सनसेट को बड़ा एक्साइटेड फॉर दैट। एंड ये इट्स अ वेरी क्यूट डे टुडे। ओ जी हेलो, हम घर आ गए थे, ऐसे थोड़े से आड़े पड़े हुए थे, थोड़ा सा चिल विल कर रहे थे, थोड़ा सा काम वाम कर रहे थे, एक दो एडिट्स वगैरह देख रही थी मैं। अब शाम के बज रहे हैं 5 और हम जा रहे हैं सोहो हाउस। सोहो हाउस बहुत ही फेमस जगह है मुंबई में, मैंने बहुत ज़्यादा बार सुना है सोहो हाउस के बारे में, मैं कभी नहीं गई हूँ सोहो हाउस। मैंने सुना है वहाँ से सनसेट बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो जुहू बीच पे ही है। तो ये सभी हम जा रहे हैं सोहो हाउस। मुझे भूख इतनी ज़्यादा नहीं लगी हुई है, बट एक बार वहाँ जाके फिगर आउट करते हैं। यस लेट्स गो। गाइस मैं जैसे रेस्टोरेंट पहुँचती हूँ, परफेक्ट जब वो वेटर बिल ले आता है, आई एम शीक शैक शुक, शीक शैक शुक। गाइस मुंबई का मौसम इतना ज़्यादा अच्छा, इतनी अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, यहीं से बिल्कुल बाजू में बीच है, हम लोग पहुंच चुके हैं सोहो हाउस, लेट्स गो। गाइस इस जगह की वाइब तो बहुत ही सुंदर है, देखो दिस इज़ द रेस्टोरेंट और ये रहा बीच।
अभी हम यहाँ मस्त सनसेट एंजॉय करेंगे। लोग भी इतने प्यारे, स्टाफ इतना स्वीट है, मुझे मेरे सब्सक्राइबर मिल गया सर, सुपर आती हूँ। और यहाँ पर ना बहुत सारे अंग्रेज लोग बैठे हुए हैं, बहुत क्यूट लग रहे हैं सब। एवरीबॉडी इज लुकिंग वेरी वेरी ब्यूटीफुल। ओह दे हैव पिज्जा, दे हैव पास्ता, मजा आने वाली है बहुत ज़्यादा। ये दिस इज़ टाइनी गोपालीज़ ड्रीम। ऐसे बीच पे इतना फैंसी रेस्टोरेंट में बैठ के प्लेन जाते हुए देखना, ओहो मम्मी देखना। नहीं मम्मी हर जगह के प्राइस को भी, इतने में तो मैं इतने बार ये कर लूँ, इतने में मैं राशन ले आऊँ पर मम्मी हाँ ये तो एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा भाई। मतलब मैं इतने सारे रेस्टोरेंट्स में गई हूँ मुंबई में, मुझे पर्सनली अभी तक इसकी वाइब बहुत ही कूल लगी है। मुझे पर्सनली ऐसी जगह बहुत अच्छी लगती है जहाँ नेचुरल हवा आ रही हो, एसी उसी ना हो। तो आई एम वेरी हाई मेंटेनेंस गाइस, सॉरी आई एम वेरी लो मेंटेनेंस गाइस, सच बोल रही हूं गाइस। ऑर्डर दे दे मैन रिच, आज तो मुझे बहुत अमीरों वाली फीलिंग आ रही है। आदमी इतने महंगे, एक दिन में इतने महंगे रेस्टोरेंट चली गई, मैंने 6 महीने का कोटा पूरा कर लेना है। मैं बहुत दिनों से एक चीज़ देख रही हूँ कॉल्ड कम्बुचा, आई हैव नेवर ट्राई दैट, आई वांट टू ट्राई दैट। मैं सुना है बहुत सारे लोगों को काफ़ी पसंद आ रही है, आपने ट्राई किया तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना, आई हैव नेवर ट्राइड कम्बुचा। यहाँ मिल रहा है पर महंगा मिल रहा है, बाहर सस्ता मिल रहा है, बाहर पीऊँगी। गाइस हमारी चाय आ चुकी है यहाँ पे, मेरे घर में कुकीज है ऐसे 5 बन जाए, इतना बिल बड़ी सी बन के तैयार। ये कुकीज इधर खाएंगे इधर बड़ी तो गंदी होती है। हाँ देखो गाइस ये आई हमारी कटिंग चाय, ये आई हमारी आइस लाटे, इनकी क्वांटिटी बहुत कम है बट ठीक है। तो गाइस यशवी ने मंगवाई है सॉल्टेड कैरमल आइसक्रीम। मेरी मम्मी को कुकीज से बहुत कंप्लेन है कि बहुत छोटी कुकी है, दो तो देनी चाहिए जितनी छोटी है। इनको भी आके बोलते ऐसा लग कैन आई गेट वन मोर कुकी प्लीज, कैन आई गेट अ कुकी, कैन आई गेट कुकीज। गन्ने का जूस मिलता है ना उस ग्लास में, मुझे कॉफी दी गई है, ये जागरी सिरप, कॉफी अच्छी है ये, आई लाइक इट, और व्यू और सुंदर है तो बहुत ही अच्छी लग रही है, सो आई एम लविंग इट। आपकी चाय पे क्या टिप्पणी है, कितने नंबर दोगे इस चाय को? पैसे के हिसाब से तो क्या ही नंबर, 0 भी। व्यू तो बहुत 10 में से 10। और कॉफी चाय के नहीं। गाइस अभी ना हमें यहाँ पे अनुराग कश्यप सर दिखे हैं, आई लव हिज वर्क, मतलब द मूवीज दैट ही मेक्स इट्स ब्यूटीफुल। तो अभी वो भी यहीं से बाजू वाली टेबल पे बैठे हुए हैं। Guys, I've ordered my favorite thing. I've ordered aglio olio pasta. इस सुंदर से सनसेट के साथ aglio olio pasta. Oh my god. With my yummy yummy coffee. इसे एकदम living my dream life. और अब ना मैंने नज़र में मानना शुरू कर दिया है guys. Stop putting every lies everywhere. Guys, ये इन्होंने free की bread दिया हमें. In house bread. Guys, they've got coloring book. This is an adult coloring book, guys, but painting like kids. मेरी स्पेगेटी आ गई है, बहुत ही ज़्यादा यम्मी लग रही है। इसमें टोमेटो, ब्रोकली, मशरूम सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे हम कलर भी कर रहे हैं, ये देखो कितना सुंदर लग रहा है ये। लेट मी टेस्ट स्पेगेटी। एक्चुअली लोग डिनर के लिए जिस जगह पे जाने वाले हैं ना, वहाँ पे वेजिटेरियन ऑप्शंस बहुत कम होंगे, सो आई एम ऑलरेडी प्रिपेयरिंग माई सेल्फ। स्पेगेटी तो काफ़ी टेस्टी है भाई, डिलीशियस, मुझे बहुत अच्छी लगी स्पेगेटी। मैं मुंबई में बहुत सारे कैफेज गई हूँ, रेस्टोरेंट्स गई हूँ, दिस इज़ माई फेवरेट वन, आई लव द वाइब हियर। और ये जो इतना प्यारा सा सनसेट हो रहा है ना, ये देखो, हाँ ये देखो खुला आसमान, बहुत ही सुंदर है भाई। ये लोलू मस्त घर पे आ गए थे, हमने ना डिनर के लिए एक टेबल बुक की हुई है जहाँ मेरा जाने का बिल्कुल मन नहीं है, बिकॉज मैं थक गई हूँ आज रेस्टोरेंट्स और कैफेज जा जाके। बट वो बहुत फेमस जगह है, वहाँ पे तो टेबल बिल्कुल भी नहीं मिलती है। द प्लेस इज बास्टियान, बास्तियान, आई होप मैं सही बोल रही हूँ, शिल्पा शेट्टी का रेस्टोरेंट है वो। और वहाँ पे तो बहुत ही ज्यादा भीड़ होती है, हम जाएंगे आधे घंटे में, मेरा बिल्कुल मन नहीं। आई एम सो फुल जैसा बनाया। हेलो जी, हमने ऑर्डर प्लेस कर दिया, काफी सारे वेजिटेरियन ऑप्शंस मिल गए थे, मुझे लगा नहीं था मिलेंगे,
बट यहाँ पे बहुत सारी करीज के ऑप्शन थे जिसमें आप अपनी चॉइस का प्रोटीन वगैरह डाल सकते हो, तो हमने वेजिटेरियन वेजिटेबल्स डाल दिए हैं। फिर वी हैव ऑर्डर्ड अ थाई करी, एक मलेशियन नूडल्स, क्रिस्पी चिली गार्लिक बेबी पोटैटोज एंड अ वेरी फैंसी ड्रिंक। द प्लेस इज वेरी फैंसी, द पीपल हियर आर वेरी फैंसी, आई एम एक्चुअली लविंग द वाइब हियर, बहुत ही बूजी फैंसी, बहुत ही सुंदर है। गाइस मुझे आलू काफ़ी ज़्यादा फीके लगे, बिल्कुल ऐसे गैस पे भुने हुए आलू हैं। मैंने बहुत टेस्टी है, तुझे टेस्टी लग रहा है? मुझे तो बहुत टेस्टी है, इसकी चॉइस गाइस सब में। ये ऐसा लग रहा है कि दम आलू के सिर्फ आलू आलू है, इसका दम अभी रह गया है। वी हैव मलेशियन नूडल्स हियर, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। गाइज हमारे पास यहाँ पे थाई करी ग्रीन एंड नूडल्स आ चुके हैं, लेट्स ट्राई नूडल्स। नूडल्स काफ़ी टेस्टी हैं, और तो मुझे ड्रिंक भी काफ़ी अच्छा लगा, जिस पैशन फ्रूट एंड पाइन एप्पल समथिंग। गाइज द थाई करी इज टू गुड, टू गुड। कैसे आंटी पता नहीं क्यों मैंने इस जगह से बहुत एक्सपेक्टेशन लेके नहीं थी, क्योंकि मुझे सब लोग बोला था सी फूड मिलेगा, सी फूड मिलेगा, सी फूड मिलेगा, तो मैं इतनी एक्सपेक्टेशन के साथ नहीं आई थी, बट आई एम सरप्राइज। हेलो जी, हमारा डिनर हो चुका है, बहुत ही टेस्टी डिनर था, हमने बहुत बैठ के गप्पे मारे हैं, सो गप्पा एंड गुड फूड, गुड कॉम्बिनेशन। अभी हम डेजर्ट मंगवा रहे हो क्योंकि मेरा मीठा खाने का मन कर रहा है। वी आर ऑर्डरिंग लोटस कुनाफा चीज़ केक, इट इज़ एगलेस, सो ये आई एम सुपर हैप्पी। गाइज हमारा बहुत ही फैंसी सा धुआं वाला डेजर्ट इज हियर मम्मी। क्रेजी खाना था, क्या ही क्रेजी वाइब थी। मैंने इतने सारे सेलिब्रिटीज की वीडियोस देखी ना, ये सारी जगहों से निकलते हो कि, बट फाइनली हमने भी ट्राई कर लिया। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप ये वीडियो क्या खाते पीते देख रहे थे, एंड ऑल्सो आपको ऐसी कौन सी वीडियोस देखनी है मुंबई में फूड वगैरह के अराउंड, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई एम गोना सी इन माय नेक्स्ट वन, तब तक बाय बाय, टेक केयर, बाय, एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। आई एम ऑलवेज एंड ऑलवेज एंड ऑलवेज ग्रेटफुल टू यू गाइस, टाटा।